Paris Clouds, Paris Catacombs, Boost Moon Chilling, Paris Catacombs, Legends and Myths, Paris की सड़कों के नीचे दफन Paris Catacombs है, जिसमें 6 मिलियन से अधिक लोगों की हड्डियां हैं। शहर में दफनाने की जगह की कमी के कारण बनाया गया Paris Catacombs Paris के सबसे भयानक स्थलों में से एक बन गया है। कई किंवदंतियां और लोक कथाएं अब इस कब्रिस्तान को घेर लेती हैं। हर साल अधिक से अधिक लोगों को पेरिस के अंधेरे पक्ष की यात्रा करने के लिए लुभाती हैं। यहाँ पाए जाने वाले किंवदंतियां हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करती है। मून चिलिंग पेरिस कैटाकॉम्ब्स लेजेंड्स एंड मिथ्स। अच्छी कहानी किसे पसंद नहीं होती? तथ्य यह है कि कुछ स्थानों में अन्य स्थानों की तुलना में बेहतर कहानियों का निर्माण करने की प्रवृत्ति होती है। 6 मिलियन से अधिक शवों का अंतिम विश्राम स्थल, जिसे ब्लॉक के चारों ओर लपेटी गई लाइनों के साथ एक पर्यटक आकर्षण के रूप में खोला गया है, वो बेहतर कहानी की श्रेणी में आने वाला है। अकबर वीडियो कैमरा, यह अब तक सबसे अजीब पेरिस कैटाकॉम्ब्स की किंवदंतियों में से एक है। 1990 के दशक की शुरुआत में कैटाफाइल्स का एक समूह, जो लोग नियमित रूप से पेरिस कैटाकॉम्ब्स का अध्ययन और अन्वेषण करते हैं, कब्रिस्तान के अंधेरे कक्षों से गुजर रहे थे। वे जमीन पर एक वीडियो कैमरे पर हुए। उनके आश्चर्य के लिए कैमरे पर फुटेज थे। जैसे ही समूह ने फुटेज देखा, उन्होंने परेशान करने वाली आवाजें सुनी। यह स्पष्ट हो गया कि वीडियो कैमरा रखने वाला व्यक्ति खो गया था और उसे पता नहीं था कि कैसे बचना है। वीडियो में दर्शक स्पष्ट रूप से आकर्षित कर सकते हैं कि आदमी सुरंगों के भूमिगत नेटवर्क के अंदर पागल हो रहा है। वीडियो अचानक समाप्त हो जाता है, जिसमें आदमी अपना कैमरा जमीन पर गिरा लेता है। आज तक कोई नहीं जानता कि यह आदमी कौन था या वो जीवित निकला या नहीं। बहुत से लोग मानते हैं कि फिल्म आज के वर्ग किसी त्रासदी से प्रेरित थी। आधी रात में आवाजें पेरिस प्रलय महापुरुष संभव का उपरोक्त वीडियो कैमरा कहानी से जुड़ा हुआ है। एक प्रसिद्ध पेरिस कैटाकॉम्ब्स की उन्नति का कहना है कि मध्यरात्रि के बाद दफन स्थल के भीतर एक रहस्यमय चीज होती है। कि यदि आप आधी रात के बाद पेरिस कैटाकॉम्ब के अंदर हैं, तो दीवारें बोलना शुरू कर देती हैं। जब तक आप बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज लेते, तब तक अलग अलग आवाजें आपको कैटाकॉम्ब्स में और गहरे उद्यम करने के लिए मनाने की कोशिश करेंगी। यदि आप इस आकर्षण में अत्यधिक रुचि रखते हैं, तो हमारे द्वारा चलाए जाने वाले पर्यटन देखें। गाइड के पास उपाख्यानों और कहानियों का खजाना है, जो आपके अनुभव को और यादगार बना देगा। कोलन, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फिलिपट अपसेट नाम का एक व्यक्ति वेल डी ग्रेस अस्पताल में एक दरबान था। एक तहखाने से एक निश्चित बदला लाने के मिशन पर फिलिपट वास्तव में इसके बजाय पेरिस कैटाकॉम्ब में प्रवेश कर गया। केवल एक मूवमेंट के साथ पिच ब्लैक कैटाकॉम्ब्स के चारों ओर घूमते हुए फिलिपट अविश्वसनीय रूप से खो गया और भ्रमित हो गया। कई लोगों का मानना कि उस समय भी वो नशे में रहा होगा। फिलिपट की मूवमेंट बुझ गई, जिससे उसकी दृष्टि पूरी तरह से काली हो गई। इस बिंदु पर उसके लिए प्रलय के गहन अंधकार से बचना लगभग असंभव था। उनका शरीर 11 साल बाद तक नहीं मिला था, जब कैटाफाइल्स के एक समूह ने इसे उजागर किया था। उन्होंने उसकी पहचान उसकी बेल्ट से लटकी अस्पताल की चाबी से की। एस्पायर को कैटाकॉम्ब्स में ठीक उसी स्थान पर दफनाया गया है, जहां उनकी मृत्यु का वर्णन करने वाले मकबरे के साथ उनकी मृत्यु हुई थी। कैटाफाइल्स और कैटाकॉम्ब्स लोक कथाओं का कहना है कि प्रत्येक नवंबर 3 फिलिपट का भूत कैटाकॉम्ब्स की भूलभुलैया का शिकार करता है। पेरिस प्रलय के अंदर गुप्त ठिकाने, पेरिस प्रलय महापुरुष 2004 में पुलिस अधिकारियों का एक समूह सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित पेरिस कैटाकॉम्ब्स के एक हिस्से की खोज कर रहा था, और उन्होंने बहुत ही अजीब चीजों को उजागर करना शुरू कर दिया।
सबसे पहले उन्हें एक पीए सिस्टम मिला जिसमें पहले से रिकॉर्ड किए गए गार्ड कुत्ते के भौंकने की आवाजें थी। फिर उन्हें पायलटेड बिजली का उपयोग करने वाले फोन के लिए 3000 वर्ग फुट की गैलरी मिली। अधिकारियों को एक बार लिविंग एरिया, वर्कशॉप, लाउंज और यहाँ तक एक सिनेमा घर भी मिला जिसमें 20 लोगों के बैठने की जगह थी। सिनेमा की सीटों को कैटाकॉम्ब्स के पत्थरों में उकेरा गया था। सबसे अजीब बात यह थी कि उन्होंने छत पर लगे कैमरों को रिकॉर्ड करते हुए देखा। पुलिस दस्ता कुछ दिनों बाद आगे की जांच के लिए एक बड़ी टीम के साथ क्षेत्र में वापस गया। फोन लाइनों से लेकर पैरिस कैटाकॉम्ब सिनेमा तक उन्होंने जो कुछ भी खोजा था वो सब गायब हो गया था। केवल एक चीज छूटने मिली, एक जो बढ़ता है, जिसका अर्थ है खोज न करें।